इन्होंने व्यक्तिगत की बात कही। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा हूँ क्योंकि जनता की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत सक्षम हमें जनता ने बनाया है, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। बिल्कुल, अब आपने ओके बात कही। व्यक्तिगत, इन्होंने व्यक्तिगत बात कही है तो इससे ज्यादा देश में व्यक्तिगत कुछ नहीं हो सकता। जब आपातकाल में इंडिया इक्विवेलेंट टू इंडिया कहा गया था, और इससे व्यक्तिगत कुछ नहीं हो सकता जब प्रधानमंत्री आवास योजना के जगह केवल इंदिरा आवास ही कहा जाता था, जो मोदी जी ने कहा किसी नाम से आवास नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री के योजनाओं से आवास मिलेगा। यह होता है व्यक्तिगत सोच के पर कड़ा प्रहार। और दूसरी बात, कांग्रेस आज 9 प्रश्न लेके आ रही है, उनके 9 प्रश्न में ही देश के 9 सबसे अच्छे उत्तर हैं। उन्होंने सबसे पहला कहा इकोनॉमी, सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनता भारत। उन्होंने कहा एग्रीकल्चर, रबी फसल में 4 गुना सब्सिडी देने वाला बदलता भारत। उन्होंने कहा सोशल इकोसिस्टम, अकेला यूपी में पहले 700 दंगे हुए थे, अभी तक 1 दंगे नहीं हुए। उन्होंने कहा इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके मजबूती पेश की। उन्होंने कहा कोविड, इसी कोविड में सबसे तेज वैक्सीन ड्राइव कराया। उन्होंने कहा सोशल जस्टिस, सबसे ज्यादा जस्टिस दलित और आदिवासियों के साथ भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा सबसे मजबूत वुमेन एम्पावरमेंट, उसके बाद पिंक योजना। एक और बात, बहुत सेंसिटिव विषय है, सैनिटरी पैड पीरियड्स के बारे में बात करने में लोग हिचकिचाते थे। पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 रुपए में 36 करोड़ महिलाओं तक सैनिटरी पैड। बढ़िया चीज, नहीं आगे आ गया, आगे बाबूजी आ रहा हूँ आपके पास। राजस्थान फ्री में दे रहा है, जी जी 1 रुपए में दे रहे हैं जी। मैं बिल्कुल आ गया, मैं समझ गया बात आपकी जी। कहाँ से आना हुआ, फ्रॉम वेयर यू आर? आई एम फ्रॉम ताइवान। एक मिनट होल्ड ऑन, अरे रुकिए भाई, जस्ट अ मिनट। यू आर फ्रॉम ताइवान? व्हाट्स योर नेम? ज़ाज़ा। थैंक यू वेरी, फर्स्ट आई लाइक टू वेलकम यू, वेरी वेलकम हियर। एंड व्हाट यू आर डूइंग हियर इन दिल्ली? ट्रैवलिंग। So you are a blogger or something, or you're writing for something, or some page or electronic media or something, doing it, or just a traveler? I'm just a traveler. So curiosity brings you in Delhi, right? Mm-hmm. So you want to say something about the India or Delhi? Or any particular thing? What you like it or do dislike it? Both the questions. I love India. This is your first visit? This is your first visit. Okay. It's welcome to India. I love India. ये सवाल है इनका, इधर से कहा गया। मैं आ रहा हूँ, एक एक करके आता जाऊंगा, आगे करके आता जाऊंगा। इन्होंने कुछ सवाल उठाए, राहुल जी कुछ कहना चाहेंगे, पहले मैं उधर आऊंगा, इसके बाद मैं आपके पास आता हूँ जी। देखिए, व्यक्तिवादी सोच क्या है वो तो हम लोगों को दिख रहा है कि अगर महिलाएं यहाँ पे पहलवान धरना प्रदर्शन करते रहे, अगर उनको सुनने वाला कोई नहीं रहा, अंततः उन्हें गंगा नदी में अब जाके अपने मेडलों को प्रवाहित करने का निर्णय लेना पड़ रहा है, ये सोचना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि भारत में किस तरह से ओलंपिक के मेडलों की संख्या में वृद्धि होगी। जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा, वो भी जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, ब्रजभूषण शरण सिंह जी सुशोभित कर रहे थे। तो ये देखिए, व्यक्तिवाद का विचारधारा है कि किसी ने निर्णय ले लिया कि हमें न्याय नहीं देना है, तो संगोल की स्थापना की जा रही है, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा जी। महिला पहलवान जो उन्होंने मुद्दा उठाया, देखिए मैं महिला हूँ और मैं महिला अधिकार के लिए कार्य करती हूँ, तो महिलाओं के साथ अगर कहीं पे भी इनजस्टिस हो रहा है उसकी आवाज हमें उठानी चाहिए एक सुर में होकर। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के नौ क्वेश्चन की बात ऋषभ ने की, उसमें एक जो सवाल है वो है सोशल जस्टिस को लेकर, जिसमें बात की जाती है कि सामाजिक न्याय किस तरह हो। आज हम 76वें वर्ष में हैं और भारत की मुस्लिम महिलाओं के साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ, आज तक उनको बराबर के नागरिक का दर्जा नहीं मिला है। वो कांग्रेस जिसने 80 के दशक में शाह बानो को जो सरकार की जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक एग्जैक्टली मेंटेनिंग का जो फैसला आया था उसको पलट दिया था, वो कांग्रेस आज सामाजिक न्याय की बात करती है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो सबसे पहले उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस उतरती है, और वो लोग जो कहते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि वो भारत का जो सोशल फैब्रिक है उसके अगेंस्ट है, तो उसका विरोध क्यों करते हैं आप बताइए। अगर आप जनाब, मैं आया जी, बोलो पहले बात। इस समय तो न्याय मिल जाना चाहिए फोगाट को न्याय नहीं मिला, ये बड़ी दुख की बात है। ये बड़े दुख की बात है, विनय फोगाट। नया भारत है इसलिए मिलना चाहिए। विनय फोगाट जो कि रेसलर हैं, जो कि प्रोटेस्ट में बैठी। मैं आ रहा हूँ उधर जी। लालू जी IIM में भाषण देने गए थे,
जब रेल मंत्री थे, वहाँ एक लड़के ने क्वेश्चन कर दिया कि आपके साले के ऊपर FIR है और आपके साथ घूम रहे, आज ब्रजभूषण पे FIR है और पार्लियामेंट में किसके साथ बैठे हुए थे? एक सवाल। दूसरी बात, पब्लिक की, पब्लिक जो है सबका भगवान है, मेरे लिए भी खुदा के बराबर है, हम पब्लिक की बात पर जवाब नहीं देते। उसने उनसे उनसे बारे में नहीं पूछा था कि आप पे है या नहीं है? नहीं, हमने ये पूछा। नहीं, नहीं उनसे बारे में। अब आप बुरा लग गया आपको? ब्रजभूषण को कुछ करा आप? मेरा काम है सवाल करना और आपका मेरा ना, ना 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 भाई, जब आप एक आते भाई, आप अगर सवाल पूछ रहे हैं, ना 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 ना, आप, मैं आपको अकल दे रहा हूँ, फ्री भी अकल दे रहा हूँ, मैं आपको फ्री की अकल दे रहा हूँ। उदाहरण ऐसे देने चाहिए जिसमें फंसने के चांस ना हो। उदाहरण पूछिए, मैं दूंगा उदाहरण, दे सकता था। एक और लीजिए, बोलिए, आइए। जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे जी, और रिहंद बांध परियोजना हमारे देश की पहली परियोजना थी जी। जब वो उद्घाटन करने वहां पहुंचे तो किसी ने बताया कि ये जो महिला सामने बैठी है, ये 80 साल की बुजुर्ग आदिवासी महिला है और इसी रिहंद बांध परियोजना में मजदूरी किया उन्होंने। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि उनको बुलाइए, और रिहंद बांध परियोजना का फीता उस महिला ने काटा। ये है सम्मान आदिवासी को। और आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? यही दुख की बात है सर। सोना की चिड़िया, आज सोना 62,000 पहुंच गया है। धन्यवाद। इससे आगे जी, सोना 62,000 पहुंच गया है। उम्र आपकी कितनी है? मेरी उम्र तो 45-46 साल की जी। प्रतीक जी, इन्होंने आदिवासी महिलाओं की बात कही, मेरे भाई थोड़ा ज्यादा दूर नहीं है, झारखंड के साहिबगंज के अंदर। अब सुन लो फिर तुम भी, इनका आइडियोलॉजी नहीं पता लेकिन मुस्कुराहट इनकी बहुत अच्छी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, साहिबगंज के अंदर आदिवासी महिलाओं का कत्ल करके ना केवल कत्ल किया, टुकड़े टुकड़े काट दिए गए थे। एक बार भी इनकी सरकार थी चू तक नहीं आदिवासी के लिए बोला गया। दूसरी बात, पहली बार जनजाति गौरव दिवस कौन दिया, जरा पूछ ले इनसे, पता चल जाएगा कि जनजातियों का सम्मान कौन करता है और आदिवासियों के लिए दिल में प्रेम कौन कर सकता है। और राहुल जी, आप भी झारखंड से थोड़ा बोल लेते, थोड़ा भैया जी कहीं जी। जी जनाब, कहाँ चले गए? चले गए जल्दी में थे जी। जी जनाब, देखिए सबसे पहली बात होती है कि अगर देश की इकोनॉमी को देखा जाए, जो मनमोहन सिंह हमारे देश के सबसे अच्छे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, और आज देखिए हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है 593.48 बिलियन डॉलर का हो गया है, तो क्या ये अचीवमेंट नहीं है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का? दूसरी बात, अभी ये बार बार राष्ट्रपति जी का ये कर रहे हैं। याद है कि जब राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा था तो यही विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस उनको नहीं लाने के लिए दूसरे कैंडिडेट खड़ा किया था। आखिर क्यों खड़ा किया था, क्यों नहीं उनको निर्विरोध चुना था? ये सवाल सबसे बड़ी बात है। अगर आप आदिवासी और महिला का सम्मान देना चाह रहे थे तो सबसे पहले राष्ट्रपति जी को निर्विरोध चुनते।